शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वान्धारगगनसुदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविज्ञानं गम्यं वंदे विष्णु ये सब बोलना नहीं। अन्यथा शरणास्ति त्वमेव शरण मम तस्मात् कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्वर। अब मैं अपने दादी देख रहा हूँ। चाचा जी क्या हुआ? भाई कहाँ है? रहने दो ना उन्हें। मेरे भाई के बेटे हैं वो लोग, बस आते ही होंगे। वो देखो वो आ गए। आ जाओ चाचा जी। भाई से एक दिन दूर रहकर ऐसा लग रहा है जैसे एक युग बीत गया हो। परमेश्वर जी ये सब कौन हैं? ये सब मेरे भाई के बेटे हैं, यहाँ पर आए हैं। बैग लेकर आए हैं ना, इसलिए वो शादी का वक्त हो गया ना, इसलिए स्टेशन से डायरेक्ट आ गए हैं। चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, चलो चलो जल्दी चलो। लड़की को मंगलसूत्र पहनाइए। श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दुर्गा। ओहो, इसको मेहंदी लगाना कहते हैं क्या? आज से पहले मैंने सिर्फ फिल्मों में ये देखा था, आज फर्स्ट टाइम डायरेक्ट देख रहा हूँ। मुझे भी लगाओ ना प्लीज। लड़के मेहंदी नहीं लगाते। मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना दीदी, मुझे तो लगा सकते हो ना। तू कहाँ से छोटा है रे? मेरी दोस्त है, पहली बार कुछ मांगा है। प्लीज वेट महेश, नेक्स्ट तू ही लगाएगा। थैंक यू भाभी। ए इधर देख, मेरी भाभी जैसे बात करे ऐसे बात कर। हाय भाभी, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। इतने महंगे गिफ्ट को तुम छोटा कह रहे हो? मेरे भाई के लिए आप भगवान का दिया सबसे बड़ा गिफ्ट हो, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। साइड साइड साइड, भाभी ये मोती आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, ये देखिए। नहीं नहीं, भाभी ये चूड़ियां आपके हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। ये कलर आप पे बहुत सूट करेगा। भाभी ये देखिए, ये चप्पल मैं आपके लिए लाया हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मार्केट में एकदम नई आई है, मुझे देखते ही बहुत पसंद आई, मुझे लगा ही आपको पसंद आएगी। ये वाली भी देखिए बहुत सुंदर है। Thank है ना you. अच्छा बाप, अभी मेहंदी लगवाना है। चला तेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लाया है। ये लोग कौन हैं? ये मेरे पति के चचेरे भाई लगते हैं। ओहो, ये लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? जाने देना, ये कुछ दिन रहकर यहाँ से चले जाएंगे, उन्हें मैं हर्ट नहीं करना चाहती। हाँ ये बात भी तू सही कह रही है। शिवाजी। आ रहे जा। क्या हुआ दीदी? ये सब क्या है? इनसे मिले काफी दिन हो गए थे तो मैंने इनके कहा कि रुक कर ही जाना। देखो अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, अगर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो ये क्राउड नहीं होना चाहिए। वो क्राउड? मैं अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से कनाडा जा रही हूँ और जब मैं लौटूँ तो ये लोग नहीं होने चाहिए। तू चिंता मत कर, वैसे भी वो बाहर जा रही है, जब तक आएगी तब तक कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। थोड़ा बस। वो लड़की पढ़ी लिखी और समझदार है, जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। हाँ चाचा जी, इसीलिए मैंने सोचा है आज रात उसे अपने पांचों भाइयों के बारे में बता दूंगा। बता दे, सब कुछ बता दे, आज ये तेरी पहली रात है और इसे यादगार बना दे। जा 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 जा, तुझे जो करना है वो कर जा। आधा पी कर दीजिए। क्यों, पूरा नहीं पी सकता? दुख सुख हमें सब कुछ बांट कर लेना चाहिए। तुम्हारी बहन ने बताया? तुम्हारी बहन का तुम पर कुछ ज्यादा ही असर है। तो क्या गलत है? हाँ मेरे भाइयों का भी मुझ पर बहुत असर है। भाइयों का? भाइयों का मतलब भाई, एक लौता भाई है उसका। एक ही? हाँ, इसीलिए हम 7 लड़कों को जन्म देंगे। ओ नो, हम 2 और हमारा 1 बस। इसे अपने भाइयों के बारे में कैसे बताऊं? मैं आपके सामने बैठी हूँ, फिर भी आप कुछ और सोच रहे हैं। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और मैं कुछ भी नहीं, बस इसी बात को सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई से कोई इंसान बड़ा नहीं होता। हाँ। कैरेक्टर से स्टैंडर्ड पता चलता है।
और मेरी नजर में आप सब में नंबर वन हो। वो पहले ही हरिश्चंद्र की जेरॉक्स कॉपी है। बात शुरू करने से पहले ही बात को बिगाड़ देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा होगा मैं वहीं जाकर देख आता हूँ। दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है। ओ ये क्या, बेडरूम की खिड़की खुली है। कहीं शिवाजी ने बोल तो नहीं दिया। हेलो, दिस इज नंदिनी। अरे बापरे, नंदिनी यहाँ पर है। लड़की यहाँ पर सोई है तो ये शिवाजी कहाँ गया? Wait for me. I'm there tomorrow morning and don't take any decision before I come. Do you understand that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अरे बाप रे, सभी यहीं पर हैं। इसको तो वहाँ पर होना चाहिए था। ये कब सुधरेगा? शिवाजी, सोने दो ना मंजू। मंजू नहीं, मैं चाचा हूँ। मतलब तू बात बोलकर सेटिंग करके आ गया है? शिवा, शिवा, उठ रे। क्या हुआ चाचा जी? क्या बात है? अरे नंदिनी फोन पर बात कर रही है। अगर उसने तुझे यहाँ देख लिया तो पूरे घर को सर पे उठा लेगी। जा जा वहाँ पर जा। तो अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ क्या? अपने कमरे में जाकर सो जा। यहाँ पर क्यों सो रहा है? लेकिन इनको मेरे ऊपर सिर डाल के सोने की आदत है। इनके सिर की चिंता मत कर, इनका सिर मैं अपने ऊपर डलवा लूंगा। तू यहाँ से निकल जा, जल्दी जा, चल जा। मेरी बहन का ख्याल रखना शिवाजी। मंजू नहा रही है, उसके आने तक इंतजार कर लीजिए। मैं उसे बता चुकी हूँ। कहीं भी जाने वालों को रोकना नहीं चाहिए। तुम जाओ बेटी, जाओ। चलो एक बार और मिल लेते। देखो बेटा, गाड़ी का ऐसे चालू है, दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने में टाइम लगेगा और फ्लाइट का भी वक्त हो गया है। मुझे लगता है मेरे जाने का टेंशन मुझसे ज्यादा आपको हो रहा है। देखो मैंने जिंदगी देखी है, एक एक पल एक एक घंटे की तरह। कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। दैट्स ओके, जब तक मैं लौटूं आप उस पलटन को भेज देना, ठीक है? हाँ, उनका बैग तो कब से रेडी है, जैसे तुम फ्लाइट में बैठी वो निकल गए। ओके ठीक है, बाय। तुम्हारी बीवी तुम्हें बाथरूम से बुला रही है। बाथरूम से मुझे क्यों बुला रही है? सांप सीढ़ी खेलने के लिए। तू जाना रे, बाथरूम से बीवी क्यों बुलाती है? जाना भाई मेरी, जा। हाँ, वो हाथ पीठ तक नहीं पहुंचता। हाँ, मेरी बीवी ने मुझे कभी नहीं बुलाया। अरे क्या कर रहा है? ये लड़की कब से बुला रही है? ये अब तक नहीं गया। मंजू अंदर आई ना, नल से पानी नहीं आ रहा। राइट साइड का टैप घुमा कर देखो ना। घुमाया फिर भी नहीं आ रहा। तुमने कपड़े तो पहन रखे हैं ना? कुछ भी नहीं है। अच्छा कुछ नहीं पहना? ये क्या, तुमने तो कहा था कुछ नहीं पहना, टॉवल तो पहना है। आइए ना। क्या हुआ? पहले बैठो तो। अब बताओ। व्हाट अ प्रॉब्लम। ये क्या, ये तो आ रहा है ना? शावर। अच्छा शावर, ये खींचोगी तो आ जाएगा। मुझे बुद्धू समझा है क्या? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है बताओ तो। ना पानी का प्रॉब्लम था, ना आंखें जल रही थी, बुलाने का सिर्फ एक बहाना चाहिए था। समझ में आया? तुम्हारी दीदी ने बताया क्या? लड़की का वजन लड़के से 5 किलो ज्यादा है ना, बस इतनी सी बात है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। चाचा जी, मंजू का मूड आज बहुत अच्छा है, उसे जाकर सब कुछ बता दूँ? अगर मूड सही है तो कोई रोमांटिक बातें करना, अपने भाइयों के बारे में मत बताना। और वैसे भी लड़कियां बेडरूम और बाथरूम में ही अच्छे मूड में होती हैं, वो सब इधर नहीं होगा। तू लड़की को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जा। हाँ, मंजू ने भी बिल्कुल यही कहा था। हाँ, तो उधर जाने के बाद नाखून चबाने या सिर पे हाथ मारने के बजाय जो तू बोलने वाला है ना, मैं तैयार हूँ। ये भी तैयार है। लेकिन तुम लोग हमारे साथ? जहाँ पर आप वहाँ पर हम। ब्रदर्स है ना? कजिन्स, कजिन्स। ब्रदर अलग है और कजिन अलग। आपने करेक्ट बोला भाभी, मैं अकेला ही भाई का ओन ब्रदर हूँ और ये सब कजिन। मैं अकेला ही आपके साथ चलता हूँ, चलिए। चाची जी। हाँ बेटी। मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने जा रही हूँ,
क्या इन लोगों का भी हमारे साथ आना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटी, हम लोगों को शाम को ज्वेलरी शॉप की ओपनिंग में जाना है। बेटी तुम इसके साथ चली जाओ, मैं इन लोगों के साथ जाता हूँ। हाँ जा जा। थैंक यू ससुर जी। हम सब कजिन ब्रदर और तू अकेला ओन ब्रदर। रुको, इसने कुछ नहीं किया है। अगर ये बीच में नहीं आता तो तुम सबकी बैंड बच जाती और तुम सबको रास्ते पे खड़े होकर अम्मा दे आठाना दे ऐसा करना परमेश्वरम। लगता है दादी आ गई, चाचा आ गई। परमेश्वरम आओ ना दादी, आइए ना। गया वो, ये क्या है? अरे तेरी अक्ल कहाँ गई? काम तो बताओ क्या है। पहले जो आपके लिए इधर आ। बिना मुंह धोए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कितनी बार समझाया तुझे? धोया था मैंने। कब धोया था? कल सुबह धोया था। एक अर्जेंट काम था इसलिए जल्दी चला। ये झूठ मूठ की कहानी मुझे मत सुना, मुझे अनुशासन चाहिए। हाथ अकेला बोला ना, अकेला दांत घिस। अभी तुम लोगों ने अपना दांत घिस लिया ना? बहुत अच्छे, इन बच्चों से कुछ सीख। चल अच्छी तरह से घिस। मार थोड़ी खाते, आइंदा ऐसे किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी। बोली सर, क्या लेंगे आप? मंजू तुम्हें जो चाहिए बता दो। 7 मटन बिरयानी पार्सल, 7 चिकन रोस्ट पार्सल, तंगड़ी कबाब और 2 लेग पीस। 7 बिरयानी किसके लिए ले रहे हैं? वो मैं बताऊं? 2 हमारे लिए और 5 भीम सिंह के लिए, है ना? करेक्ट बोला तुमने, तुम जाकर लेकर आओ। जाने के बाद नाखून चबाने या सिर पे हाथ मारने के बजाय नहीं बात बोल देना। आप कुछ कहना चाहते हैं? मंजू वो देखो। वो सारे परिवार वाले कितने खुश लग रहे हैं ना एक साथ। परिवार मतलब एक साथ खुश रहने को ही तो कहते हैं। वो एक साथ हैं, इसका मतलब खुश हैं। हम उन्हें देखकर ये फैसला कैसे ले सकते हैं, आप ही बताइए। जो लोग खुश होते हैं वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ थोड़ी नजर आते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। मेरी दीदी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? भाभी मेरी बुक्स कहाँ है? सुबह ही बैग में रख दिया है। भाभी मेरे शर्ट का बटन सिल दिया आपने। अरे ला रही हूँ। मंजू तू ध्यान से पढ़ाई कर, मैं अभी आई। भाभी मेरे शूज को पॉलिश किया। बहुत जोर से भूख लगी है। बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो रहा है। करो भाभी। हुआ मेरा जैसे। डाइनिंग टेबल पर रखा है, जाओ ले लो। ला रही हूँ, जल्दी दो ना आंटी। गर्मा गर्म है। प्लेट में रख दो। तुम्हें चाहिए ना? हाँ थोड़ा सा। देती हूँ, अभी देती हूँ। बेटी नंदिनी। जी पिताजी। मेरे लिए जरा चाय लेकर आना। हाँ अभी लाई। नंदिनी। हाँ आई माँ जी। मेरी टेबलेट लेके आना। बाबूजी को चाय देकर ले आती हूँ। ये लीजिए पिताजी। थैंक यू बेटा। ये खांसी तो मेरी जान ले लेगी। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? माँ टाइम पे टैबलेट क्यों नहीं लिया? तेरी बीवी से मांगा तो था टैबलेट। नंदिनी। आई जी। माँ जी ये टैबलेट। नंदिनी माँ के मरने के बाद टैबलेट देगी? मैं बस देने ही वाली थी, तभी पिताजी ने बुला लिया। और वैसे भी सुबह से मैं कर ही रही हूँ ना। मुंह बंद कर अपना। तू क्या हम पर एहसान कर रही है? इस घर की बहू हो, घर में रहना चाहती हो तो दिन रात काम करना पड़ेगा, वरना चली जाए यहाँ से। दीदी ने माँ की तरह परवरिश की। उनका वो हाल देखने के बाद मैंने डिसाइड किया मेरा परिवार कैसा होगा। कैसा? शादी से पहले पेरेंट्स के साथ, शादी के बाद परिवार के साथ। तुम्हें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्राइवेसी की जरूरत है? प्राइवेसी की जरूरत होती है, लेकिन किसी भी परिवार में माँ बाप भाई बहन हो तो खुशी और मजा कुछ और ही होता है। तुम जो बोल रहे हो वो ओल्ड स्टोरी है, मैं जो कह रही हूँ वो न्यू स्टोरी है। फैमिली मतलब पति पत्नी, एक बच्चा, एक कार, एक छोटा सा फ्लैट। कितना अच्छा लगेगा ना, एक हैप्पी फैमिली। मुझे भी चाहिए। मुझे भी। हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा है।
कैसी हो बेटी, हैप्पी ना? घूमकर मजा आया? आकाश इधर। हाँ भैया। देख गाड़ी में गर्मा गर्म बिरयानी है, जाकर सबको खिला। ठीक है। कह रहे उसे रेस्टोरेंट में लेके गया ना? हाँ लेके गया। जो बोलने वाला था बोल दिया। डोसा भी खाया लेकिन सच्चाई नहीं बता पाया। असल में क्या हुआ बता ना। वही तो चाचा।